हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जिसपे हमें लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लास्ट हमने हाउस टूर वीडियो डाला था, तो टॉप 3 क्वेश्चन जो थे, आपका घर कितने का है, आपने घर कहाँ पे लिया है और आपकी जॉब क्या है, आप करते क्या हो कनाडा में, 2 साल में आपने घर ले लिया, आपकी जॉब क्या है। और ये हमें पहले भी बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चन आया हुआ है। सो घर कितने का है और घर कहाँ पे है, इसका दोनों का हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। बट हमारी जॉब कनाडा में क्या है वो हमने वीडियो आज तक नहीं बनाया था। बट आई थिंक अब हमें 2 साल हो चुके हैं, मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं कनाडा में, और हमें थोड़ा जॉब्स का आइडिया भी हो चुका है। आई थिंक इट इज द राइट टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन आवर जॉब्स इन कनाडा। सो हमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते थे, क्या तुम पेट्रोल पंप पे जॉब करते हो, क्या तुम मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हो। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे किसी जॉब में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सारे जॉब्स रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। इवन इफ हम मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं तब भी हमें उतनी रिस्पेक्ट मिलती जितनी हम आईटी में या किसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में हो। सो यहाँ कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट कनाडा एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, जब हमें कनाडा का पीआर मिला था 2017 में, सो उस टाइम पे यूट्यूब पे इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था और लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था कि कनाडा में जॉब्स कैसी होती हैं, कैनेडियन फॉर्मेट क्या होता है रिज्यूम का, कैनेडियन एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, कैसे जॉब्स अप्लाई करनी है। तो एक सबसे बड़ा वो रीजन ये था कि हमने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया था, सो दैट हम एजुकेट कर पाए अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली सारे और फॉलोअर्स को जो कनाडा में मूव हो रहे हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। तो हमने जब डिसाइड किया कनाडा मूव होने का, उससे 3 मंथ्स पहले हमने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दिया था। हमें कोई आईडिया नहीं था, हमने अपनी कंपनीज में भी ट्राई करा। लकीली मेरी कंपनी वॉलमार्ट जो गुड़गांव में भी है, उसका एक यहाँ पे ऑफिस भी है कनाडा में, और मैं यूएस भी बहुत बार ट्रैवल कर चुका था वॉलमार्ट से। सो आई वॉज ट्राइंग इंटरनल ट्रांसफर एंड शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग इंटरनल ट्रांसफर, बट अनलकीली वो नहीं पॉसिबल हुआ बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपको इंटरनली ट्रांसफर मिलता है, कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी, दैट्स द बेस्ट thing you can do। अगर आपको internal transfer from your country to Canada में मिल जाता है, that's best। So we decided to move to Canada without doing a soft landing, and frankly we were mentally prepared कि हम जाएंगे and we'll just go once and we'll give ourselves some time, अपना try करेंगे वहाँ पे best and then we'll see क्या होता है आगे। 6 months की हम savings लेके आए थे कि 6 months तक अगर किसी को job नहीं मिलेगी हम दोनों में से, so we'll go back। हम एक बार आए थे कि 100% अपना देंगे, अगर कुछ नहीं बनता so we were ready for survival job as well। Survival jobs आपको warehouse में करनी पड़ सकती है, Uber drive कर सकते हो, but luckily within 2 months we both got jobs। हमने companies में apply किया, मैंने Walmart में ही apply किया Canada में यहाँ पे, and luckily मुझे वहाँ पे job मिल गई। I went through the whole interview process because it was not an internal transfer, I had to change my profile level, so you have to be mentally flexible about your role, about salary package, about your level as well। So initially आपको first job आपकी land करना बहुत difficult होता है बिकॉज कनेडियन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप कनाडा में कहीं भी आओगे आप बहुत सुनोगे कनेडियन स्टाइल रिज्यूमे एंड कनेडियन एक्सपीरियंस। सो अगर आप फर्स्ट जॉब लैंड कर रहे हो, कनेडियन एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, सो एक हर्डल आपकी क्रॉस हो जाएगी। बट आफ्टर 2 मंथ्स बहुत सारे जॉब्स अप्लाई करने के बाद, बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद हमें जॉब तो मिल गई, बट वो 2 महीने बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि जब आप आते हो इंडियन सेविंग अपनी लेके आते हो और आपके पास जॉब नहीं होती, आप रेंट पे कर रहे होते हो, आप बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे होते हो। और हम अप्रैल में आए थे, अप्रैल में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, इवन स्नोफॉल था, दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। हम स्नोफॉल के अंदर पैदल जाते थे कई बार ग्रोसरी लेने कि हम $2 बचा पाए, बिकॉज $2 हमारे लिए तो 100 rupees थे, राइट, बिकॉज वी वर स्पेंडिंग आर इंडियन करेंसी, सो वो हम इंडियन सेविंग में सारा स्पेंड कर रहे थे, हमें बहुत ज्यादा लगता था। पर $1 की कॉफी के लिए भी बचाने के लिए हमें लगता था यार कॉफी 50 rupees की क्या पीनी, बिकॉज उस टाइम पे हमारी कोई इनकम नहीं थी। सो वो 2 महीने बहुत मुश्किल थे, बहुत सारा उसमें स्ट्रगल था, एंड इनिशियली आपका 2-3 मंथ्स का स्ट्रगल तो यहाँ पे है ही है, वो हम मान के चलो हम 6 मंथ्स का मान के चले थे, बट लकीली वी बोथ गॉट जॉब इन 2 मंथ्स। सो इस टाइम पे हमारा फोकस बहुत था कि एटलीस्ट हमें कोई भी जॉब मिल जाए, मे बी एक लेवल डाउन और मे बी डिफरेंट प्रोफाइल में, बिकॉज एक बार एटलीस्ट कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, बिकॉज सेविंग्स थी, सेविंग्स भी एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट होने वाली थी। सो वी जस्ट केप्ट ट्राइंग एंड वी गॉट जॉब्स। जब आपके पास कनेडियन डॉलर आने शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा मेंटली आप रिलैक्स होते हो, कैश फ्लो आने लग जाता है, तो आप कार लेने का सोच सकते हो, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड देन आपका मोटिव होता है कि आप कनेडियन एक्सपीरियंस गेन करो। सो वही हमने किया, हमने 1 साल तक कनेडियन एक्सपीरियंस गेन किया। डजंट मैटर आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो, आप किस लेवल पे जा रहे हो, बट 1 साल के बाद हमने सोचा था कि मैं स्टार्ट
कर सकता हूँ कोई जॉब अप्लाई करना एंड डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट रोल में, राइट? सो एक बार आपकी जॉब लग गई, आप मेंटली स्टेबल हो जाते हो, आप स्ट्रेस नहीं रहते कि कोई इनकम नहीं आ रही है. सो आप जॉब साथ में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, कुछ लर्न कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होती है. मैं पीपल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लेके आ रहा था, लीडरशिप एक्सपीरियंस लेके आ रहा था इंडिया से, बट वो यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इज टेक्निकल स्किल. आप यहाँ पे देखोगे कि वीपी और डायरेक्टर लेवल के बंदे भी कोडिंग कर रहे होते हैं, विच मीन्स टेक्निकल नॉलेज अगर आपको नहीं है, आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकते. सो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो होती थी इंडिया में बहुत ज्यादा मैटर करती थी, यहाँ पे वो मैटर उतनी नहीं करती है, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंटली किसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता होता है रिस्पॉन्सिबिली क्या उनको टास्क है, उनका क्या काम है, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे. इसलिए पीपल मैनेजमेंट स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, टेक्निकल स्किल इज वॉट नीडेड. यहाँ पे हर कोई अपने आप को अप स्किल करता रहता है, ना को सर्टिफिकेशन करता रहता है. सो वही हमने किया. एंड एक साल के बाद मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे मूव हो सकता है. यहाँ पे दो टाइप की जॉब्स होती हैं, फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में आप थोड़ी सी ज्यादा सेविंग कर सकते हो. सो स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, बिकॉज व्हेन यू ट्राई एंड लाइक अप्लाई फॉर न्यू जॉब्स, कोई भी आपकी प्रीवियस फर्म की सैलरी नहीं पूछता है यहाँ पे. ऑल द फोकस इज आपकी सर्टिफिकेशंस क्या है, आपके स्किल्स क्या है. एंड इवन मैंने यहाँ पे देखा है जो इतने हाई लेवल पे जो मैनेजर्स बैठे हैं, डायरेक्टर्स बैठे हैं, दे ऑल्सो कीप ऑन लाइक स्टडिंग एंड वो सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, लाइक विच इज रियली ग्रेट. हर कोई अपने आप को अपस्किल करता रहता है, सो विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग. उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जॉब्स के लिए, राइट? एक ओपनिंग के लिए 100 बंदा अप्लाई करता है. सो अगर 100 में से 2 बंदों के पास पीएमपी सर्टिफिकेशन है, कंपनी विल कंसीडर देम फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर रोल इंस्टेड ऑफ अदर 98 पीपल, राइट? बिकॉज़ दे हैव 100 ऑप्शन. व्हाई विल दे चूज समवन हु इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू अपस्किल देमसेल्फ, right? That is one of the main reasons. So yes, after getting 1 year of experience, I changed my job. Now I am on contract and she continued to do the full-time job. And I'm keeping myself upskilled always. I'm doing new certification, because if you will not do certification, other people will do certification and they will be ahead of the race. So if we talk about our jobs, I am into product management. I'm providing services in a telecom company right now. So if you are familiar with web development, mobile app development, you might be aware of a product manager role. So we both are in IT. My role is more into project management, so not specific to one product. So it's more of like ke jitne bhi different projects hote hain within the company, I work on those. Mera thoda sa role change hua hai yahan aake, because India mein I was more into HR role, but HR mein bhi mera technical profile tha. So wahan meri thodi flexibility ye thi ki main outside HR bhi kaam kar sakti hu. Aur jaise aapko pata hai ki HR profile yahan pe regulated hai, so uske liye certification karni padti hai. So that's in the to-do list. Maybe soon we'll do something about it. So now you know the whole story. Now you know our job roles. If you need any guidance from us, you can book an appointment with us. Link is in the description. And we will be able to guide you in IT or HR, project management, the kind of jobs we have, the kind of job market we have right now. At last, yes, getting a job in Canada is difficult. But as we mentioned in the video, if you have skills, if you're upgrading yourself every day, if you're focusing on the technical skill, it is not very difficult to get a job in Canada. And all I can say is apni options open rakho, don't just stick to one role or one profile, because yahan aake aapko thoda sa adjustment karna padega initially, but with your skills and certifications you can finally get back to your previous roles. Ek stuck mindset ke sath mat aao, just keep your options open and good luck. So if this was helpful, do not forget to like, subscribe, share. You know what to do. You can comment down below as well. You can follow us on Instagram, and we will keep coming up with fun vlogs on this channel. If you need any assistance with Canada immigration, we have a main channel. We put a lot of videos about Canada immigration. Wo English mein hai. So isme aapko fun vlog milenge, aise educational videos milenge, thode se casual se. So till next time, stay safe and stick around.